60,000 से ज़्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है और जगदलपुर में इस वक्त शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। 700 से ज़्यादा वोटर्स यहाँ पर हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके अलग अलग तमाम मुद्दे हैं और वो अंदर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्हीं लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर यहाँ के लोग मतदान कर रहे हैं, इनके लिए कौन सा ऐसा विषय है जिसकी वजह से ये अंदर जाकर ईवीएम में अपना बटन दबाएंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत करेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? ललिता। ललिता जी, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग वोट डालने जो आएंगे अंदर ईवीएम में बटन दबाएंगे? हम लोग को ये मुद्दा है कि हम लोग नगर निगम में काम करते हैं, ठीक है। हमारे पति, हम लोग तो 18-19 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक का किसी का नौकरी नहीं हुआ, एक परमानेंट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। एक तो नौकरी होगा होगा बोल के सब आशा दिलाते हैं, जो भी है ठेका में ही है और मिलता है 8,000 सैलरी। अच्छा, हम लोग कैसे खाएंगे? कुछ नहीं बढ़ रहा। आपका नाम? मैम, शक्तिदीप। शक्तिदीप, आपकी भी यही समस्या है कि जी आपको मस्टर पर? हाँ जी सर, यही समस्या है। 300-400 लोग हैं, उनका भी सदस्य का हो जाना से ठीक रहता भैया। हर बार यही आशा से आते हैं कि हम वोट डालेंगे, सब वही एक ही सारा है कि अपना पति का हो, घर में एक घर का भी एक जन का भी हो। हर साल आते हैं हम लोग, हर 5 साल में एक बार कि हमारा क्वेश पूरा होगा बल्कि, लेकिन हो ही नहीं रहा है। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रद्धा है सर। मेरे लिए स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य जी, अच्छी सुविधाएं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है बस्तर जिला में, कॉलेज के सामने है सर, पर डॉक्टर नहीं रहेंगे, डॉक्टर नहीं रहेंगे तो क्या ही कर सकते हैं बताइए। अच्छा, डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो स्वास्थ्य व्यवस्था प्लस शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। ओके, अंदरूनी इलाकों में टीचर्स की भी कमी है यहाँ पर। ओके, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा सर सबका जनता के हित में काम करें और छत्तीसगढ़ के विकास पे फोकस करें। अच्छा, नया रोजगार और शिक्षा, ये सभी होना चाहिए। ओके, तो देश भर में तमाम ऐसे ही मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क का, जब भी आप मतदाता से बात कीजिए तो वो कहते हैं कि इन्हीं मुद्दों को लेकर वो मतदान करते हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो भी यही वायदे करते हैं अपने वचन पत्र में, लेकिन जाने क्यों, जब सरकार बन जाती है तो इसे भूल जाते हैं और 5 साल बाद फिर इन्हीं मुद्दों की फहरिस्त लेकर लोगों के बीच आते हैं, कहते हैं ये दुरुस्त कर देंगे, इन 5 सालों में क्या किया, इसका लेखा जोखा अमूमन वो देने से बचते हैं। तो यहाँ के मतदाता यही जानना चाहते हैं कि पिछले जो वायदे थे उनका क्या हुआ और जो इनके मुद्दे थे वो आज भी जस के तस क्यों हैं। जगदलपुर से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।